ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा विघ्न है, सबसे बड़ी कमी कमजोरी है जो बार बार हमें संपूर्णता के शिखर पर जाने से, सफलता को पाने से पीछे धकेल देती है, और परिस्थितियों में माया के विघ्नों में हमें मुंज देती है, हलचल में ला देती है, वो है व्यर्थ। मन का व्यर्थ, बोल का व्यर्थ, कर्म का व्यर्थ, ये व्यर्थ हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है जिससे आत्मा सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाती है। किसी भी कार्य में, किसी भी पुरुषार्थ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती है। इसलिए बाप दादा ने पहले मिलन में ही, इस सीजन में ही, पहले बाप दादा ने हमें यही शिक्षा दे दी कि बच्चे व्यर्थ को ख़त्म करो और ब्रह्मा बाप समान हर समय, हर परिस्थिति और बात में विजयी बनो, संपूर्ण विजय बनो। विजय बनने का आधार है हिम्मत रख कर चलना और दूसरा व्यर्थ से मुक्त होना। तो जो बच्चे हिम्मत रख कर आगे बढ़ते हैं, कैसी भी बात परिस्थिति जीवन में आ जाए, लेकिन उसका सामना करने की, उसमें पास होने की हिम्मत लेकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप दादा की मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। और दूसरा, जो भी हमारे मन में व्यर्थ उठता है, संकल्पों में, बोल में, कर्म में, अब उसे समाप्त करो तो संपूर्णता आपके नज़दीक आ जाएगी, गले का हार बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हर कदम में, हर परिस्थिति में, बात में ब्रह्मा बाप को सामने रखो कि इस समय पर ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते। इस पुरुषार्थ से सहज ही व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे। दूसरा, हमें क्या करना है, मन के अधीन नहीं होना है, मन के मास्टर बनना है, मालिक बनना है। और जब हम मन के मालिक बनेंगे, हर कदम में, हर बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, हम सहज ही व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। आज से अभ्यास करें, मैं मस्तक में मणि के समान चमकती हुई आत्मा कदम कदम पर इस सृष्टि चक्र में अपना पाठ बजाकर चल रही हूँ, और हर समय प्यारे बाप दादा को सामने रखते हुए उनको फॉलो कर रही हूँ। जब भी कोई बात हलचल या व्यर्थ मन में आए, तो मैं ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ कि अगर इस समय पर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, और इसी फॉलो फादर से हर व्यर्थ को पार करते हुए आगे ही आगे सफलता मूर्त बनते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ।